एनटीपीसी की ऊंचाहार इकाई से फैलाए जा रहे वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ अब स्थानीय किसानों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। किसानों का कहना है कि एनटीपीसी ऊंचाहार द्वारा स्थापित किए जा रहे वैगन ट्रिपलर की वजह से एनटीपीसी द्वारा बराबर जल का दोहन करके प्रकृति के साथ साथ वातावरण के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। धान की रोपाई का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में ट्यूबवेल के साथ साथ हैंडपंप भी पानी देना बंद कर रही हैं। ऐसे में किसानों की जीविका संकट में है। गौरतलब है कि एनटीपीसी से सटे पुरवारा ग्राम पंचायत से सटकर एनटीपीसी वैगन ट्रिपलर स्थापित कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस वैगन ट्रिपलर की स्थापना से पूर्व भूमि के लगभग 150 फीट नीचे एनटीपीसी द्वारा कई पावरफुल मोटर लगाकर 24 घंटे सातों दिन बराबर जल का खिंचाव करके जल को गंदे नाले में छोड़ा जा रहा है। ऐसे में एनटीपीसी के इर्द गिर्द बसे गांव के किसानों की ट्यूबवेल और हैंडपंप पानी देना बंद कर रही हैं। वक्त आ रहा है धान की रोपाई का, अब सिंचाई के संसाधनों के ध्वस्त होते देख किसानों की जीविका पर संकट के बादल छा गई हैं। किसानों का कहना है कि मामले की कई बार शिकायत एनटीपीसी के अधिकारियों सहित तहसीलदार प्रशासन से की गई, लेकिन अभी तक समस्या से निजात नहीं मिल सका है। आइए देखते हैं क्या कहती है पीड़ित जनता। शुक्ला और आप देख रहे हैं सारा समय लाइव टीवी। सारा समय लाइव टीवी के खास प्रोग्राम में हम आपको एनटीपीसी के प्रदूषण से रूबरू कराएंगे। जैसा कि हमने पहले के प्रोग्रामों में तमाम तरह के प्रदूषण से जो आपको रूबरू कराया, एनटीपीसी द्वारा फैलाए जा रहे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से ग्राम सभा बभनपुर के गांव फरीदपुर, बिकई जैसे तमाम गांवों के बारे में आपको वहां से आप सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखाई है। अब हम पहुंच चुके हैं पुरवारा ग्राम पंचायत में, जहां के ग्रामीणों से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि एनटीपीसी द्वारा किस प्रकार की समस्याएँ यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं, क्या यहाँ भी वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और भी किन प्रकार की समस्याएं हैं। तो चलिए हम सीधे गांव ग्रामीणों से जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। क्या नाम है आपका? बोरीलाल। एनटीपीसी से किस प्रकार समस्याएं आपके यहाँ हो रही हैं? नल का पानी नहीं दे रहे हैं, ट्यूबवेल पानी नहीं उठा रहे हैं, कुतिया बिंद रही, लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, कोयले उठते हैं इससे। और किस प्रकार समस्याएं हो रही हैं? और तमाम समस्याएं हैं। अभी हाल ही में पता चला है कि आपके यहाँ जो है सांस के कुछ मरीज जो थे जो एक्सपायर हुए हैं 15 दिन के अंदर। हाँ, 7-8 लोग एक्सपायर हुए हैं, सांस के मरीज थे। तो सांस संबंधित ज़्यादा यहाँ पे मरीज हैं? सांस संबंधित ज़्यादा हैं। एनटीपीसी के जो कोयला और राख का ये प्रकोप है यहाँ पे, इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए हैं? हाँ, रायबरेली में की गई है और कई जगह की गई है, SDM से की गई है। कोई सुनवाई हुई है? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। यदि भविष्य में सुनवाई नहीं होती, अगर इसी तरह चलता रहेगा, तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग काम धाम यहाँ बंद करवा देंगे, फिर और क्या होगा। यानी धरना प्रदर्शन करेंगे, काम धाम बंद करवा के? हाँ, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीण किस तरह से आक्रोशित हैं, एनटीपीसी के प्रदूषण का दंश झेल रहे हैं। एक दादा हमारे साथ हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनको किस प्रकार की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। क्या नाम दादा? हमारा साहब इंद्रपाणा। किस गाँव के रहने वाले हैं? मैं कुलाल परवा। एनटीपीसी द्वारा किस प्रकार की समस्याएँ यहाँ पे हो रही हैं? प्रदूषण द्वारा हो रहे हैं, सांस फूलती है। आपकी सांस फूलती है? फूलती है हमारी। कब से दिक्कत हो रही है? अरे हमको सालों से हो रही है। पहले कोयला गिरा, क्या कह रहे हैं? पहले कोयला गिरा रहे थे, उसी में से हमको सांस ली। पहले आप एनटीपीसी में काम कर रहे थे? काम कर कोयला गिरा रहे थे वहाँ पे, तभी से सांस की समस्या हुई? सांस की समस्या हुई। एनटीपीसी द्वारा इलाज करवाएगा आपका? हाँ साहब, एनटीपीसी द्वारा इलाज करवाया गया कभी आपका? कभी नहीं कराया गया। कोई जाँच वगैरह? जाँच नहीं हुई, पहले हुई है। आँख में चश्मा वश्मा लगवा दे हमने, अपन पैसा लगावा। पैसा आपने लगाया? हाँ। अभी अभी आपकी सांस फूल रही है? अभी आप हमारी सांस फूल रही है। आपकी जैसे तो और भी तमाम सारे गांव में लोग होंगे जिनकी सांसें फूल रही हैं, ऐसा कुछ? हाँ साहब, और हैं गांव में, और कोई लोग हैं, कितने हैं सबकी। अभी आपके यहाँ सांस के कुछ मरीज भी एक्सपायर हुए हैं, कहाँ तक सत्यता है? हाँ सही बात है साहब। कितने लोग एक्सपायर हुए हैं? 8-10 लोग हुए हैं। 8-10 लोग मौत के मुंह में चले गए? हाँ, 8-10 लोग। अभी तक यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण किसी को हुआ, मतलब अस्पताल से कोई जांच वगैरह आई? किसी के नहीं हुआ अभी जांच। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? बंद करा देंगे, काम धाम यहाँ का नहीं चलेगा। कोयला जो टिपड़े लगा रहे हैं, हम लोगों तो खाते हैं, बच्चों भी खाएंगे।
अच्छा, यहाँ पे एक वैगन टिपलर भी लगाया जा रहा है, उससे पानी की सिंचाई की समस्या भी हो रही क्या? हाँ। कैसी समस्या? साहब नलकों में पानी नहीं है, ट्यूबवेल में पानी नहीं है, पीने को नहीं मिलता, सभी समस्याएं हैं हमारे सामने। ऐसे धान की रोपाई का टाइम आ रहा है तो कैसे आप लोग धान की रोपाई करेंगे? और साहब कैसे करेंगे यार, काम नहीं बंद करा देंगे, जब फिर साधन देंगे तो काम होगा। यानी सिंचाई संसाधन अगर NTPC उपलब्ध कराएगी तभी जो है आप लोग NTPC में काम होने देंगे ना, काम बंद करा देंगे? हाँ साहब, जब काम उपलब्ध होगा तभी NTPC में हम लोग काम होने देंगे। या समरसेबल जो लगवाए चलते नहीं है, एक गड़ना था वो नहीं बिगड़ा। क्या नाम है आपका? राम सजी। कहाँ रहने वाले? मैकुलर पुरवारा। हाँ, ये ट्यूबवेल आपकी पानी कब से छोड़ रही है? ये साहब छोड़ रही है, आज हो गए करीब आषाढ़ के पहले। अच्छा। हाँ, क्या कारण है? साहब पानी नहीं चेप रहे हैं तो कहाँ से यहाँ दिए? कौन खींचा है पानी? ये बोर चलाए हैं जो। कौन? NTPC वाले। NTPC से? हाँ। चलिए ट्यूबवेल दिखाइए अपनी। NTPC के प्रदूषण से अभी तक आपको हम रूबरू कराते रहे हैं, सीधा लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं ग्रामीणों से जुड़कर। NTPC के प्रदूषण और जल के दोहन के बाद हम एक श्रमिक से मिले हैं जिनका जो है NTPC में कार्य करते समय हाथ फ्रैक्चर हुआ था, चोट खा गए थे। उनका कहना है कि ना उनका NTPC ने इलाज कराया, ना कार्यदायी संस्था ने, और ना ही किसी प्रकार का मुआवजा मिला। यही नहीं, उनका जो श्रमिक का जो मजदूरी था, जो मजदूरी थी श्रमिक की, वो भी नहीं मिली है। तो सीधा हम श्रमिक से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? श्री सदस्य पटेल सर। सदस्य पटेल। कहाँ रहने वाले? कुरनपुरवा सर। क्या समस्या है आप? समस्या यह सर, हम आदर्श ग्लोबल में काम कर रहे थे। आदर्श ग्लोबल? जी सर। जी सर, वहाँ काम करते हुए मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया सर। कैसे? मतलब सिलेंडर गिर गया था मेरे पर, और मतलब कुल मिला के ना दवा कराए हैं और ना ही मतलब पेमेंट दे रहे हैं, तीनों हमको बैठा भी दिए हैं काम से। कोई इलाज वगैरह कराया गया आपका? कुछ नहीं हुआ सर। भुगतान कितना आपका लंबित है अभी तक? 3 महीने की सैलरी बाकी सर। इसकी शिकायत आपने कही की? कहीं से सर, AGM साहब से कह रहे थे, मतलब कई बार GA ऑफिस में किए थे, मतलब कहीं से कोई कुछ नहीं हुआ है। तो अभी आप क्या करेंगे आगे चल के? आगे चल के क्या करेंगे सर, मतलब आप क्या बताएं, हम क्या करेंगे? अभी अभी कहीं रोजगार कर रहे हैं, कैसे पेट जीवन कैसे अपन नहीं पा रहे हैं, एक हाथ से काम कैसे करेंगे सर, काम कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी आपका हाथ सही नहीं हुआ? नहीं सर, अभी सही नहीं हुआ है। तो ये ग्रामीण श्रमिकों का दर्द है, इनके जैसे ना जाने कितने ऐसे श्रमिक होंगे जिनके साथ जो है उनका शोषण हुआ है, उनकी मजदूरी नहीं मिली है, और तमाम सारी समस्याएं हैं। हम लोगों से जुड़ेंगे, श्रमिकों से जुड़ेंगे, यहाँ के किसानों से जुड़ेंगे, और एक एक पल की अपडेट, एक एक समस्या की अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। NTPC द्वारा फैलाया जा रहे प्रदूषण और उसके बाद अब किसानों की सबसे बड़ी समस्या से अभी तक आपको हम रूबरू करा रहे थे। किसानों से सीधा जुड़कर पुरवारा के किसानों ने अपनी बातें रखी, अपनी समस्याएं बताई कि किस तरह से NTPC जल का दोहन कर रही है और किस प्रकार से प्रदूषण फैला रही है। हम इसी क्रम में पुरवारा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आनंद पांडे से जुड़ेंगे सीधा और उनसे जानेंगे कि उनके ग्राम पंचायत में किस प्रकार की समस्याएं हैं, NTPC से प्रदूषण की क्या स्थिति है और सिंचाई में किस तरह की बाधा आ रही है। तो पांडे जी, सबसे पहले कार्यक्रम आपका स्वागत है। NTPC से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं आपके यहाँ? भैया, NTPC एक गुंडा कंपनी है, इतनी बड़ी गुंडा कंपनी है कि अगर इसके खिलाफ कुछ करो तो ये सबसे पहले प्रशासन द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा लोगों को दबा देती है। हमारी ग्राम सभा के बगल में वैगन टिपलर लगा रहे हैं, 50 समरसेबुल पंप लगा के लगभग 200 मीटर नीचे से पानी खींच रहे हैं। हमारे ग्राम सभा के लगभग 5 पुरवा के ट्यूबवेल पानी देना छोड़ चुके हैं, और ये अब धान की रोपाई आ रही है। अगर इस धान की रोपाई में हमारे गांव वालों के ट्यूबवेल पानी ना दिए तो हम पूरे गांव को लेके NTPC के कार्यस्थल व तहसील में धरना के लिए बाध्य होंगे, और इसकी समस्त जिम्मेदारी ऊंचाहार प्रशासन, SDM महोदय और NTPC की होगी। NTPC किस प्रकार से प्रदूषण फैला रही है आपके यहाँ और कितनी मौतें अब तक हो चुकी हैं? क्या अभी भी बीमारियाँ आपके यहाँ फैल रही हैं यहाँ के प्रदूषण से? हमारे यहाँ कोरोना की बीमारी कम आई है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बीमारी है कि लोग सांसों से मरते हैं, सांस लेने से, फेफड़े के
फेफड़े में इन्फेक्शन होने से या टीबी से, दमा से, इस तरह से बीमारियां हैं। और ये सब कोयले की धुआं से हो रहा है। बगल में ही कोयले का हमारे बगल में कोयले का कोयला BOBR का कोयला गिरता है, हापड़ बना हुआ है, NTPC का हापड़ बना हुआ। जब वहाँ कोयला गिरता है रैक से तो टोटल कोयला हमारे गांव की तरफ उड़ता है। और पुरवारा गांव, मैकुलालपुरवा गांव, कुरमिनपुरवा, पाणकपुरवा, चरईपुरवा, ये बेहद बेहद उससे प्रभावित हैं। और इस तरह प्रभावित हैं कि सारा कोयला आके ये लोग खाते हैं, इसी से ये TB, दमा और कैंसर के मरीज होते जा रहे हैं। अभी हाल में ही कुछ मौतें भी हुई हैं, कुछ जानकारी ऐसी आ रही, क्या सत्यता है? हाँ, सांस की बीमारी से लगभग 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कितने दिन के अंदर? 15 तारीख से और 30 तारीख के बीच में, अप्रैल में। और ये सब NTPC के कोयले और प्रदूषण की वजह से हो रहा है। अगर NTPC ने अपना प्रदूषण कम ना किया, इससे बचाव के लिए कोई रास्ता अख्तियार ना किया, तो आप लोग क्या करेंगे? जबरदस्ती वैगन टिपलर लगा रहे हैं बगल में, ये कुछ भी व्यवस्था कर लें। अगर हमारे यहाँ कोयला उड़ के और इसी तरह आता रहेगा तो हम लोग बाउंड्री ठेलवा देंगे, मजबूर रहेंगे। या तो हम लोगों के घर वर सब ले ले NTPC, हमें मुआवजा दे के, नहीं कहीं हमें दूर बसा दे जाके, जिससे कि हम प्रदूषण से बच सकें। लेकिन NTPC के अंदर तो नंगा ही है, वहाँ तो HR में सारे गुंडे बैठाए गए हैं। गुंडे लोगों को केवल कह देंगे हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, करवाते करवाते सब बेवकूफ बनाया करते हैं। इससे पहले कभी भी आप लोगों ने इसकी कहीं शिकायत की है अधिकारियों से? शिकायत की है, सभी अधिकारियों से शिकायत की है। जो रिस्पांस ये है, जो हमारे SDM साहब महोदय अभी तत्काल में आए हैं, उनके द्वारा रिस्पांस मिली है। तो हमारे गांव की कुछ रोड वगैरह NTPC ने बनवाई है। और सिंचाई के लिए बोले थे कि हम जगह जगह पंप लगा देंगे, सिंचाई करवाएंगे जब तक हम पानी का दोहन करेंगे। एक पंप केवल लगाए हैं और खेती होनी है लगभग 500 बीघे, 500-1000 बीघे खेती होनी है। और ये खेती आषाढ़ में देखते हैं कैसे होती है। NTPC द्वारा जल का दोहन किस प्रकार से किया जा रहा है? ये लोग अपना एक निर्माण कर रहे हैं, जो 70-80 फुट नीचे से उसकी ढलाई करते हैं। उस निर्माण का नाम है बैगन टिपलर, जहाँ की कोयले के डिब्बे को उठा के पलटा जाता है, उसका ये निर्माण कर रहे हैं। तो नीचे से फाउंडेशन बना के कर रहे हैं। जो नीचे से फाउंडेशन बना के कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ 45-50 समरसेबुल पंप लगा रखे हैं। ये उससे पानी खींच करके 8 महीने से लगातार उससे पानी खींच करके और गंदे नाले में डाल रहे हैं। और हमारे यहाँ जो किसानों का ट्यूबवेल है, जो इंजन गड़े हुए हैं, सब 40-50 फुट पे हैं। इसलिए पानी तो 150-200 फुट से नीचे खींचा जा रहा है। इसलिए हमारा टोटल दोहन पानी का, जमीन के अंदर पानी नहीं है। और पीने के लिए केवल मात्र इंडिया मार का नल भी अब धीरे धीरे पानी छोड़ना शुरू कर दिए। तो अगर इसी तरह आगे हमारी धान की खेती में प्रॉब्लम हुई तो हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे तहसील में, और NTPC के गेट पे हम गेट का घेराव करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह की समस्याएं NTPC द्वारा उपलब्ध यहाँ पे हैं। मौजूदा समय में किसान त्राहिताही कर रहा है, जल का यहाँ पे दोहन हो रहा है बराबर, प्रदूषण निरंतर जो है फैलाया जा रहा है। ऐसे में स्थिति यहाँ की भयावह है। केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, NTPC को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ के ग्रामीण को समस्याओं से किस तरह से निजात दिलाया जा सके। कैमरा पर्सन के साथ मैं सूरज शुक्ला, सारा समय लाइव TV।